हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम फाइंड आउट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिम और अमाउंट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट में भी हमारे इसमें एक दो प्रॉपर्टीज और हैं कि भाई कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंडेड एनुअली पूछा जाएगा, कई बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली पूछा जाएगा, कंपाउंड और कई बार कंपाउंडेड क्वार्टरली पूछा जाएगा। फार्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा टाइम एंड डेट में चेंज आता रहेगा, बस वो आपने ध्यान से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन, अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इस पे 15,000, ये प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर टाइम दे रखा है एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब एक वर्ड इसमें जो मेन है, कंपाउंडेड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये वर्ड बेटा ध्यान जरूर रखना, क्योंकि क्वेश्चन तो पूरा सेम होगा पर लास्ट में क्या तो कंपाउंडेड एनुअली होगा या कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा या क्वार्टरली होगा, तो उस वर्ड की वजह से एनुअली हाफ ईयरली या क्वार्टरली की वजह से प्रिंसिपल पे कोई चेंज नहीं आना। जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, सिर्फ रेट एंड टाइम पे। चलो अब ये दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 15,000, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, एनुअली दे रखा है। तो एनुअली केस में, एनुअली वाले केस में रेट और टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रिंसिपल 15,000, रेट 10% पर एनम, टाइम हमें 2 ईयर दे रखा है। अमाउंट का फार्मूला लगाया, अमाउंट का फार्मूला क्या है, पी इंटू 1+R/100T, ये टी भी ले सकते हैं, एन भी ले सकते हैं, एक के बाद। हाँ, अमाउंट का फार्मूला क्या लगाया है, पी ब्रैकेट 1+R/100 की होल पावर टी। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट की, प्रिंसिपल की जगह 15,000, रेट की जगह 10, टाइम की जगह 2, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 1+1/10 एलसीएम ले लिया, तो ये 10+1/10 का होल स्क्वायर, तो ये ऊपर आ गया 15,000, नीचे आ गया 10+1, ये 11×11 और ये 10×10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इन सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 18150, यह हमारा आ गया अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे, तो 18150 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3150, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹80,000 फॉर 1 and 1/2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली दे रखा है, तो हाफ ईयरली वाले केस में प्रिंसिपल पे कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, एनुअली हो, प्रिंसिपल पे कोई फर्क नहीं पड़ना, प्रिंसिपल उतना ही रहना है 80,000। रेट हाफ ईयरली है तो रेट को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना देगा, 5% पर हाफ ईयर। टाइम, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले तो इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना, तो 1 1/2 है तो 3/2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3, हाफ ईयर। ध्यान रखना हाफ ईयरली है तो टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेट को 2 से डिवाइड करेंगे। अब अमाउंट का फॉर्मूला है पी इंटू 1+R/100 की होल पावर टी, प्रिंसिपल की वैल्यू 80,000, 1+5/100 की होल पावर थ्री, तो ये 5 से कैंसिल करोगे तो ये 20 में कैंसिल हो गया, तो 20 इस कैंसिल हो गया, तो 20+1/20 का होल क्यूब, तो ये हमारा आ गया, ये 80,000 रखा तो ये आ गया 21 3 times, ऐसे 23 times, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 से जब कैंसिल करोगे 1 1 1, तो ये आपका 10 आ जाएगा। 21 21 21 की इन सबकी मल्टीप्लाई फिर 10 करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 92,610। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हमारा है 92,610 माइनस 80,000, माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12,610। अब देखो कंपाउंडेड एनुअली हो, हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो, एनुअली में रेट और टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ना, सेम रहना है। हाफ ईयरली होगा तो रेट आधा हो जाएगा, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली दिया हो, प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं पड़ना, रेट 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना,
बाकी फिर फार्मूला आपका सेम रहेगा, अमाउंट निकल जाएगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।